भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर लगातार बढ़ रहा विवाद, उप सरपंच व कांग्रेस महासचिव सहित महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष को बना दिया भाजपा का सदस्य, मामला पहुंचा थाने। मध्य प्रदेश में जहां भाजपा का सदस्यता अभियान जोर शोर से जारी है, वहीं अभियान को लेकर विपक्षी दल लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं और फर्जी तरीके से भाजपा का सदस्य बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस विधायक को भाजपा का सदस्य बनाने का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि ऐसा ही मामला धार जिले से सामने आया है, जहां जिला कांग्रेस महामंत्री व उप सरपंच को बीजेपी का सदस्य बना डाला है। इसके साथ साथ महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष को सहित कई कांग्रेसियों को भी भाजपा का सदस्य बनाए जाने का मैसेज मिला है, जिसको लेकर जिला कांग्रेस महामंत्री ने थाने में शिकायती आवेदन दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व धार के पीजी कॉलेज में जनभागीदारी समिति अध्यक्ष के जन्मदिन का कार्यक्रम के दौरान मौजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने छात्रों को OTP के जरिए सदस्यता दिलवाने के वीडियो वायरल हुए थे। इसके बाद NSUI ने प्राचार्य को बर्खास्त करने की मांग करते हुए उनका पुतला दहन कर जमकर हंगामा किया था। सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जहां लगातार भाजपा पर हमलावर हैं, वहीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जबलपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा पर बड़ा हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे तक की मांग भी की है। धार जिले के दामनोद के समीप ग्राम साला गाँव के उप सरपंच व जिला कांग्रेस महामंत्री जावेद खान को किसी ने कॉल के जरिए भाजपा का सदस्य बना दिया, जिसके बाद काफी विवाद बढ़ गया और मामला थाने तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाने पर दिए आवेदन में कांग्रेस नेता जावेद खान ने बताया कि वह ग्राम सरपंच साला के उप सरपंच सहित जिला कांग्रेस कमेटी धार के महामंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। इस नाते समाज में और आम जनता में उनकी प्रतिष्ठा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के नाते विश्वसनीयता के साथ बनी हुई है, लेकिन उन्हें भाजपा का सदस्य बनाए जाने से छवि को नुकसान हुआ है। इस प्रकार महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष मेना मारू और कई कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को भी भाजपा का सदस्य बनाने का मैसेज आया है। फिलहाल धामनोद थाना प्रभारी अमित कुशवाहा मामले की जांच की बात कह रहे हैं। वहीं जब हमने धार जिले में हुए दोनों घटनाक्रम को लेकर धार जिला भाजपा अध्यक्ष मनोज सोमानी से बात की तो उनका कहना है, कांग्रेस के नेता सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपके पास मोबाइल है तो कोई फर्जी सदस्य कैसे बना सकता है? मिस कॉल खुद के मोबाइल से ही करना होता है, उसके बाद OTP आता है। जब तक आप OTP नहीं देंगे तब तक कोई भी व्यक्ति सदस्य बना ही नहीं सकता। अगर कांग्रेस के लोग ऐसा बोल रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मुझे परसों के दिन एक कॉल आया और बिना कोई ऑप्शन बताए फोन कट भी गया। पर कल 3:15 के मौके पर मुझे एक SMS आता है कि आपको बधाई, आप भाजपा के सदस्य बन गए। इसी संबंध में मैं जब ये मैसेज आया तो मैंने इस बात को अपने कांग्रेस संगठन स्तर पर जिला में इस बात को रखा बताया। उन्होंने हमें निर्देशित किया कि आप एक आवेदन बनाकर हम लोग थाने पर एक आवेदन दें। आपके अलावा जी, मुझे आज जब मैंने ये सोशल मीडिया पर इस तरीके का मैसेज का मैंने डाला, मुझे करीब बहुत सारे लोगों के स्क्रीन शॉट वगैरह आए। हमारी धार जिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं मेना मारू जी, उनको खुद को जिला अपने फर्जी तरीके से सदस्य बना लिया गया। एक तरफ BJP अपने विकास का ढिंढोरा पीटती है, उसके बाद फिर इस तरीके से फर्जी सदस्य अभियान क्यों चला रही है? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं क्या, मैंने तो ये भाजपा के जो फर्जी क्या बोलते हैं मेंबरशिप घोटाले को उजागर करने के लिए धामनोद थाने पे एक आवेदन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, तो भाजपा सरकार टारगेट पूरा करने के लिए कांग्रेस के व्यक्तियों को टारगेट ना करे, कम से कम अपना ईमानदारी से काम करें। क्योंकि हम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और हमारी भी महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसका शुल्क है 100 रुपया, लेकिन हम ईमानदारी से कर रहे हैं और उसको 100 रुपये शुल्क के साथ में पूरा कर रहे हैं। तो आप भी अपनी ईमानदारी से करिए, ना कि ये बेईमानी करें कि बिना पूछे बिना अनुमति के आप किसी को भी सदस्यता नहीं बना सकते। जय हिंद। आपके गाँव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।